जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग, है ना? ठीक है, अभी बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, मैंने सोचा आप ही लोगों को मैं रख लेता हूँ आज, बाकी लोगों को बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले लेंगे और सारी चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे एक चीज आप लोग समझें, पेन पेपर ले लीजिए, नोट करिए, मैं फटाफट बोल रहा हूँ, फटाफट नोट करें। चार छह चीजें हैं वो समझें कि क्या क्या है। देखिए, पहले नंबर पे तो ये समझना है आपको, आवाज नहीं आती है सर, आपको आवाज नहीं आती दीपक जी, पता नहीं क्यों। देखिए, सबको आवाज आती है, अगर किसी एक को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब आपके हैंड पे है ना? बाकी आप अपने अपने साइड से वो करिए, उसका वॉल्यूम का। वॉल्यूम का जो है वो आप अपने 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 हैंड से करिए, उधर से ऑडियो, हाँ कनेक्टिंग टू ऑडियो, हाँ करिए। तो जब आप कनेक्टिंग टू ऑडियो करेंगे तभी होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। देखिए, पहले नंबर पे तो आप ये समझिए एक चीज कि आपको जो काम करना है, वर्किंग एरिया, वर्किंग फील्ड, वो क्लियर है। मैं बोल रहा हूं, आप अपने पास नोट करते रहिएगा, टिक करते रहिएगा कि आप किस किस चीज में, किस किस एरिया में क्या क्या काम करना चाहते हैं। और विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं पर्सनल विजिट करूंगा आपके यहाँ पे, सर्वे करूंगा, ए टू जेड चीज देखूंगा, क्या चीज आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज आपके लिए जरूरी है, फिर उस हिसाब से हम प्लान करके सारा काम कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गोल्स होना जरूरी है। अगर लाइफ में कोई गोल नहीं है, एम नहीं, पर्पस नहीं, तो लाइफ आपकी बेकार है। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, पर्पस आपके पास हो, लाइफ में एम हो, गोल हो, मकसद हो, उद्देश्य, उद्देश्य जरूरी। तो आपका उद्देश्य क्या है, संस्था का आपका उद्देश्य वो क्लियर होना चाहिए आपको। अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो आपको मैं बोल रहा हूं, आप समझिए क्या क्या है। जनसाधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास करना, ये एक उद्देश्य है। जो जो चीज आप करना चाहते हो आप उस पर टिक कर लें, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड हो। मतलब आप 20 चीजें करना चाहते हैं तो आप 20 चीज कर लें, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे मतलब है। ठीक है सर, वीडियो इनेबल है आपके साइड से, इसको ओपन करिए। मेरे साइड से ओपन करूं? दीपक गुप्ता है ना, कौन बोल रहा है ये? वो चैट चैट करिए आप, चैट कौन लोग हैं? दीपक जी बोल रहे हैं ना? हाँ दीपक, दीपक जी, ठीक है, मैं ओपन कर दे रहा हूं अपने साइड से। नहीं, आप अपने साइड से करो ना, वीडियो तो आपके साइड से होगा ना, आप अपनी तरफ से कर सकते हो। देखो, ये इन्होंने करा है, ये भाई जो है ना, इन्होंने अपना म्यूट भी वो कर लिया है और वो भी ओपन कर लिया है। कैमरा कैमरा आप अपने साइड से करो ना दीपक जी। मैं देख रहा हूं, मुझे डिसेबल्ड बता रहा है, डिसेबल्ड, एक सेकंड रुकिए, मैं सेटिंग में देखता हूँ। तो मुझको मुझको भी ज्यादा आता नहीं है, मैं नया हूं इसमें, मतलब हूँ थोड़ा, ज्यादा नहीं हूँ। वीडियो सेटिंग, एक सेकंड, तो टाइम ऐसे ही चला जाता है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, आप टेंशन मत, सिक्योरिटी में होगा शायद, हाँ सिक्योरिटी में, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू। शेयर स्क्रीन, चैट, रीनेम, अनम्यूट, अनम्यूट देमसेल्फ्स है तो मैंने टिक कर रखा है, स्टार्ट वीडियो भी मैंने टिक कर रखा है, डिसेबल नहीं है, डिसेबल नहीं है, मैंने सब ओके कर रखा है इधर से, मैं इधर से वो करते नहीं, क्योंकि अगर डिसेबल होता तो ये इनका, ये आप देखो ना, ये इकरा मिशन पब्लिक स्कूल, इनका कैसे ओपन होता, इनका मैंने बंद थोड़ा ना करा किसी का। चलिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि आपके उद्देश्य क्लियर हो। अब आप देखो उद्देश्य क्या क्या है, जल्दी जल्दी देखो, फटाफट करना है। शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों, बालिका विद्यालयों, अल्पसंख्यक विद्यालयों, दीनी मदरसों, कॉलेजों, महाविद्यालयों की स्थापना करना, जिनमें
प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना। आज मैंने बहुत लोगों से बात की कि आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, कॉलेज के लिए चाहिए, तो उसमें क्लियर तो करो कि कौन से क्लास के बच्चे हों, किस कैटेगरी के बच्चे हों, कितने साल के बच्चे हों, तो वो सारी चीजें क्लियर होना चाहिए। अगला है ज्ञानवर्धन हितार्थ पुस्तकालय लाइब्रेरी अगर खोलना है तो वो समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोष्ठी, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी, बहुत चीजें हैं। तो आप टिक करना कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, ये सब आयोजन करना। महिलाओं, बालिकाओं, युवाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दरदोजी, शिल्पकला, हस्तकला, हस्तशिल्प, ललित कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, थिएटर, अभिनय, गायन, वादन, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो फिल्मांकन, क्रिएटिव राइटिंग, जरी, चिकन, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, दरदोजी, डॉल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद प्रसंस्करण, है ना, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग आदि, ये सारे प्रशिक्षण है, ठीक। समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों, मजदूरों, कारीगरों, बुनकरों, दस्ताकारों, हस्तशिल्पियों, निराश्रित बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य। तो ये भाई साहब आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन सी फील्ड है, फिर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा ना। आप एक चीज तो पकड़ो, आपने एक चीज अभी पकड़ी नहीं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़े। अब है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य। अब इनके इनके बेनिफिट्स के लिए आप काम करोगे, समझ में आ रहा है ना, कि आप किसके लिए काम करोगे। मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ना कि आपका एम क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि सर हम ये काम करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आपको मालूम ही नहीं, तो आप मुझे बोलो, मैं फाइंड आउट कर दूंगा कि आप क्या काम कर सकते हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस है, आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, आपको कौन कौन से वेज मिल सकते हैं, आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट टारगेट करना। भाई देखो एक चीज समझो, इफ यू नेवर, अगर आप निशाना जैसे साधना है, तो पहले नंबर पे एक वो समझना होगा ना कि किस पे निशाना हम लगा रहे हैं। तो वो निशाना समझो कि आपको किस चीज पे निशाना लगाना है, उसके हिसाब से पूरी फाइल रेडी करना है। उसमें आप देखोगे बेनिफिशियरी हमको किसको देना। अब आप एक चीज और है, अब जैसे आपके पास आपने पता कर लिया कि आपकी फील्ड क्या, अभी फील्ड बहुत है, इतनी फील्ड है, रिकॉर्ड तोड़ फील्ड है, आप परेशान हो जाओगे, समंदर सागर है यहाँ पे, महासागर, डूब जाओगे, इतना है यहाँ पे वो सारी चीजें। अब आप लिस्ट रेडी करो। लिस्ट कैसे रेडी करोगे कि आपके पास जैसे जो हैं बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, जिनको आपको काम कराना है, तो उनकी लिस्ट होना चाहिए पहले नंबर पे। आपने अभी तक मुझे कोई भी लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ आप लोग लिस्ट प्रोवाइड कराओ। नहीं बना पाते हो मुझे बताओ कैसे बनाना है, क्या बनाना है, मैं बताऊंगा आपको। अब पहले नंबर पे आप मान लो जैसे आपने अडल्ट एजुकेशन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक्टिविटीज डिसाइड करना है ना पहले नंबर पे भाई, एक्टिविटीज डिसाइड करना है। तो मान लो एजुकेशन आपने डिसाइड करी, एजुकेशन में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक। वन डे का कोई प्रोग्राम नहीं होता, वन डे के सेमिनार्स होते हैं, वन डे एक दिन में करके खत्म कर लो, बस पैसा मिले और खत्म करो, वन डे थोड़ी ना होता है, एक दिन में सेमिनार्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एक दिन में वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप है वो भी कभी कभी दो दिन चलती है, और जो चीज होगी वो एक दिन में कैसे होगा आप बताओ, एक दिन में कुछ नहीं हो पाता, मतलब एक दिन होगा और उसके बाद में फिर उसको कंटिन्यू करना होगा, है ना, जैसे कैंप लगाना है, सेमिनार्स हैं, हाँ ये होते हैं, ये एक दिन में होंगे, लेकिन प्रोजेक्ट आप सोचो कि प्रोजेक्ट एक दिन के लिए मिल जाए, तो एक दिन के लिए प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, पोलियो वाला है, ये कैंप लगा सकते हैं, हाँ कैंप मिल जाएंगे आपको, कैंप है, सेमिनार है, वर्कशॉप है, ये मिल जाएंगे आपको। अब इनको अभी बोला ना मैंने, तो आप डिसाइड करो, चलो ठीक है, देखो अब देखो ये हो गया, तो अब ये एक दिन वाले आप देखो, एक दिन वाले जो एक दिन के लिए बात आई, तो एक दिन के देखो, एक दिन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, मुशायरा, सामूहिक विवाह, स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन। अब इसमें डिसाइड करो क्या करना है आपको, आप क्या कर सकते हो, आपकी क्या क्षमता है करने की, क्या इंटरेस्ट है आपका। योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी आदि। अब इसमें से आप एक चीज डिसाइड करो कि हम ये कर सकते हैं, मान लो नेत्र शिविर लगा सकते हैं, तो नेत्र शिविर के लिए मैं
गाड़ी भेज दूंगा, डॉक्टर भेज दूंगा, लेकिन पेशेंट पेशेंट तो ढूंढ के लाना होंगे, पता चला गाड़ी गई सब कुछ वहां पेशेंट ही नहीं, तो नेत्र शिविर क्या होगा? आपको पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा, तो पैसा कैसे? अब नेत्र शिविर के लिए पेशेंट होना, अब उनको गाड़ी भर के लेके जाएगी, उनका ऑपरेशन होगा, फर्जी बिठा नहीं सकते हो, फिर फर्जी भीड़ बिठा दी, वो जब आंख निकाली तो कैसे होगा? तो समझिए ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आप जो शॉर्टकट सोचते हैं वो शॉर्टकट अपने दिमाग से निकाल दीजिए और जेन्युइन काम करिए, फर्जी वाड़े के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फंसेंगे। मान लो इंस्पेक्शन हो गया, कुछ हो गया, तो आपको दिक्कत होगी। अब पेशेंट आपने बिठा दिए नेत्र शिविर में जो लगा है, ठीक है, गाड़ी आएगी, अब वो कहेगी चलो हमारे साथ हॉस्पिटल, ऑपरेशन होना है, 3 दिन वहां रहना, तो वो जाएंगे पेशेंट आपके? नहीं जाएंगे, फर्जी वाले होंगे, भाग खड़े होंगे, और वो गाड़ी का खर्चा, वो सारी चीजें फिर कैसे मैनेज होंगे? वो आदमी भी खींचा जाएगा, जो गवर्नमेंट भेजेगी एड, जो अधिकारी आएगा वो दोबारा फिर रबड़ हो जाएगा। तो समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए, आराम से खाइए, ठंडा करके खाइए, नहीं गरम गरम खाएंगे मुंह जल जाएगा। हमारे यहाँ पे ये बहुत दिक्कत है, बस आज ही तुरंत तुरंत अभी हो जाए, अभी ऐसे नहीं होता कि एक एकदम सब कुछ हो जाए, हैं? इतने सालों से वो है, चलिए खैर ठीक। तो अब मान लीजिए योगा है, ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप एक प्रोजेक्ट लें, उसको रेडी करें, तो अब आप मान लीजिए जैसे आपने योगा वाला है, ठीक है, तो योगा में अब योगा में आपको क्या करना है वो समझिए। अब योगा में आप बच्चों को लेंगे के युवा का कराएंगे, या लेडीज का है, या कौन लोग हैं, तो कितने आदमी कितने औरतें, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक। फिर उनका एक्सपेंडिचर बनेगा, एक्सपेंडिचर मतलब समझते हैं ना, एक्सपेंडिचर मतलब कि कितने रुपए की आपको जरूरत है और कितना रुपया खर्च होगा, कितना रुपया किस चीज में लगेगा, वो तो वो पहले से बनाना होगा, ठीक है। फिर आएगा आपका जो बेनिफिशियर्स हैं उनका डाटा, उनका डाटा रेडी करना होगा। डाटा क्या क्या रेडी करना है वो लिखिए कि उसमें क्या क्या चीजें आपको रेडी करना होगी, पूरा एक तो फॉर्मेट बनता है, फॉर्म है और बहुत सारी चीजें हैं वो, नहीं तो आपको लिस्ट तो एक रेडी करना होगी, लिस्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी वो थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है, एक सेकंड बस, लिस्ट में कहां गई लिस्ट, लिस्ट में उनका नाम, उसका फादर का नाम या हस्बैंड का नाम, उनकी एज, उनका एड्रेस, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड अगर है तो, ए टू जेड चीज, फोटो, और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, फुल एड्रेस। मान लो कल को कुछ इंस्पेक्शन होता है, सर्वे होता है, तो आदमी उन्हें पकड़ तो लेगा। हाँ, ये लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, नेम, फादर, हस्बैंड नेम, एज, फुल एड्रेस और उनकी केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री मतलब के मैरिज है, शादीशुदा है, नहीं, स्टेटस पूरा उनका है ना, छूट गए हैं, कहाँ से हैं, यहीं से हैं, ट्राइबल हैं, बर्थ प्लेस यहीं है, क्या है, पूरा पूरा उनका सब पूरा बनेगा इस तरीके से, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी, ये ऐसे ऐसे बनेगी लिस्ट, ठीक है, ये पूरा ए टू जेड ऐसे लिस्ट होगी। और इनके इनके एक एक फॉर्म भी बनता है, मतलब एक फॉर्म होगा इनका, उसमें फॉर्म में फोटो है, नाम है, इस तरीके से फोटो नाम बनते हैं। ये पेपर में कटिंग्स होंगी आपके पास में, ये कटिंग्स रखिए निकाल के पेपर की, जो प्रोग्राम आप करते हैं है ना, ये जो भी आपने किया, फोटो होगा, सर्टिफिकेट वितरण किया, जो जो कुछ भी आपने किया, तो ये इस तरीके से आपके पास में सारी चीजें होना चाहिए, फोटो और जो है फॉर्मेट में एक फॉर्म होगा, उनका फोटो होगा, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पूरी ए टू जेड, मतलब आप अगर कोई उसको चेक करना चाहे तो वो चेक कर ले बहुत आराम से, उसमें छुपाना नहीं, आधार कार्ड सब लगते हैं, और आधार कार्ड पैन कार्ड डालो ना, एक मिनट में क्लिक हो जाता है, एक सेकंड में पकड़ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी लिस्ट बनेगी बेनिफिशियरी की। फिर आपने लिस्ट कैसे बनाई, वो उसका सर्वे डिटेल्स होंगे, ये सर्वे डिटेल्स आपने कि ये हेडिंग ऐसे पड़ेंगे, ऐसे हेडिंग, ये सर्वे सर्वे की लिस्ट होगी, सब ये मैं भेज दूंगा, व्हाट्सअप कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगी सब पूरा, तो ये लिस्ट होगी पूरी। फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका पूरा, ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से,
जैसे ये लिखा होगा ना एप्लीकेशन फॉर्म, फिर वो सब पूरे कॉलम्स रहते हैं पूरा, ऐसे सब ए टू जेड ये पूरा सब बनाना पड़ता। मतलब आपको बोलने की पूछने की जरूरत नहीं हो, वो फॉर्म मैं देखूं और फॉर्म देख के मुझे क्या किसी को भी पता लग जाए कि क्या चीज है क्या नहीं, उसमें क्वेश्चन ना रहे उसमें, ठीक है। फिर बजट रेडी करना है आपको कि कितने लाख रुपए आपको चाहिए, कितना आप खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेंगे, पूरी ए टू जेड स्क्रिप्ट के साथ में, ठीक है। फिर स्टाफ की आपकी पूरी लिस्ट होना चाहिए। स्टाफ में जैसे ये हैं, अब ये स्टाफ में ये हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन है, अब इसमें क्या क्या चीजें होना चाहिए। अब स्टाफ में उनका नाम होना चाहिए, वो कौन है, मेल है कि फीमेल है, वो होना चाहिए, एज उनकी होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए कि वो क्या है, प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, ट्रेजरर है, मंत्री है, कौन है वो, फाउंडर है, मेंबर है वो, प्लस उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उनका प्रोफेशन होना चाहिए और उनकी एनुअल इनकम, इतनी चीजें आपके पास होना चाहिए। और ये तो आपकी एक तो हो गई कमेटी की, जो आपके मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है, टीम जो है, प्लस आपके पास में वर्कर्स की भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास काम करने वाले कितने लोग हैं, वॉलंटियर जिनको हम बोलते हैं वर्कर्स, मैनेजिंग कमेटी के उसको कौन मैनेज करे, क्योंकि सब जगह आप काम नहीं करेंगे, आपकी टीम काम करेगी, है ना, तो वो पूरी होना चाहिए आपके पास, ठीक। फिर आपके पास लोकेशन होना चाहिए, लोकेशन मतलब कि आप कहाँ काम करेंगे, किस एरिए में काम करेंगे, अब कितने एरिया में आप काम करेंगे और उसका पूरा आपको वो होना चाहिए आइडिया। मतलब जैसे कि लोकेशन क्या है, लोकेशन की ग्रोथ क्या है, अभी एग्जैक्ट टाइम में वहां पे पॉपुलेशन कितनी है और इन फ्यूचर पॉपुलेशन कितनी पहुंचेगी, उसकी उसकी ग्रोथ, लोकेशन और लोकेशन की ग्रोथ आपको क्लियर होना चाहिए। वहां पे आपको मालूम होना चाहिए कि जहां पे आप काम कर रहे हैं जो एरिया है वहां से हॉस्पिटल कितनी दूर है, कितना किलोमीटर का आप एरिया कवर करेंगे, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जैसे मान लो स्कूल है या कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, कुछ भी है प्रोग्राम, वहां से बस स्टैंड कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, कौन सी चीज कहाँ पे, वो एरिया की पूरी पूरी नॉलेज होना चाहिए आपको, ठीक है। वो मैप में हो जाए या रिटर्न में हो कि 3 किलोमीटर यहाँ पे स्टेशन है, ये पूरा ये आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ गया आपका ब्लॉक है, एरिया है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये भी हो गया, तहसील भी हो गया, और जैसे सेमिनार है, अब सेमिनार आप एक दिन में कितने करेंगे, एक करेंगे, दो करेंगे, तीन करेंगे, चार करेंगे, कितने कितने घंटे का करेंगे, कितनी कितनी देर करेंगे, किस किस एरिया में करेंगे, किन किन लोगों को टारगेट करेंगे, वर्कशॉप करेंगे तो वर्कशॉप कितनी करेंगे, एक दिन ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, एक दिन है, दो दिन है, ड्यूरेशन हो गया, और प्लस नंबर ऑफ सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप और सेमिनार प्रपोजल, सेमिनार की बात हो रही है तो सेमिनार का है, ठीक है, और उसमें कितने कितने गांव के लोग, कितने कितने एरिया से लोग आने वाले हैं, वो पूरा अलग से, मतलब पूरी सब ए टू जेड चीज होना चाहिए। और कम्युनिटी में आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, वहां पे जो आपका एरिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे रहे हैं या कौन कौन सी चीजें हैं उसमें, ठीक। ये हो गया टारगेट ग्रुप, हो गया नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत जरूरी है, कितने हो गए, ठीक। अवेयरनेस क्या चीज देंगे, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स क्या क्या करेंगे, कितने प्रोग्राम्स को, जरूरी नहीं कि एक में आप एक ही प्रोग्राम करते हैं, ये सब हो जाएगा धीरे से, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इसमें, हाँ, और वो प्लेस जो है वो रेंट पे है या क्या है, वो भी सब आपका अपना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस किस चीज को अपॉइंट करेगी, ए टू जेड चीज डालना। जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कितने हैं उसमें, वो जो आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर कितने, एक हैं, दो हैं, सोशल वर्कर कितने हैं, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो ठीक है, क्लर्क कितने हैं, अकाउंटेंट कितने हैं, गार्ड कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, जो भी मतलब आपके में है, फर्नीचर में क्या क्या है आपके पास वहां पे, फर्नीचर में यूटेंसिल्स में क्या क्या है, नॉन रिकरिंग में क्या क्या है, लिस्ट पूरी लिस्ट होगी आपके पास, ठीक, ये सारी लिस्ट।
इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, उसके बिल होंगे और उसकी पूरी लिस्ट होगी। फिर बेसिक एमिनिटीज में आएगा आपका फूड है, पर्सनल है, मेडिकल केयर है, लीगल एड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग और इनकम जनरेशन एक्टिविटीज या कटिंग टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी या जो जो भी मतलब आपका रहेगा उसमें, फूड प्रिजर्वेशन जो भी है। कंपोनेंट री इंटीग्रेशन होना चाहिए। सेटिंग ऑफ हाफ वे होम, अगर मान लो कुछ गड़बड़ होता है कुछ, तो उसका क्या है आपके पास अल्टरनेट वहीं पे, ठीक। बस ये रूम्स कितने हैं, कितने रूम्स हैं, कितने स्क्वायर फुट एरिया है, किचन है कि नहीं है, टॉयलेट बाथरूम है कि नहीं है, बरामदा है कि नहीं है, ये सारी चीजें, रेंट है कि नहीं है, ये सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा आपका, बस ये हो गया, ये हो गया। हाँ, और डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स नोट कर लें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी, हिंदी में बोल दूं इंग्लिश में बोल दूं, जिसमें आप बोलो उसमें बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में आपको चाहिए हो तो हिंदी में दे दूं, ठीक है, मैं हिंदी में दे रहा हूँ, ठीक है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं सर आप कैसे समझ जाते हो कि यहाँ पे क्या चीज होना है, कैसे पहुंच जाती है आप तक, कहते हम कहते नहीं है, लेकिन मैं यही मेरी स्पेशलिटी, यही मेरी क्वालिटी, मैं चेहरा देख के फट से पहचान लेता हूँ कि बंदा मुझे गाली दे रहा है या मेरे बारे में क्या बोल रहा है अंदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है मेरी, मैं फट से पहचान लेता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। तो नोट करेंगे, देखिए आपका सर्टिफिकेट हिंदी में लिखेंगे, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद में जो बायलाज होगा, बायलाज आपके मतलब स्मृति पत्र, स्मृति पत्र आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स में आपका जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र, ठीक है, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र हो गया, स्मृति पत्र, स्मृति पत्र, और स्मृति पत्र के साथ में आपकी प्रबंधकारिणी समिति, प्रबंधकारिणी समिति का मतलब हो गया आपकी जो मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर जो है वो, ठीक, ये हो गया। उसके बाद में आपकी एनुअल रिपोर्ट अगर है, वार्षिक रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वार्षिक रिपोर्ट, मैंने आपको वो भेजा था, वो आप में से कितने लोगों को वो मिली, वो मैंने पीडीएफ पीडीएफ भेजी थी ना, वो वैसी बनना है, वो सृष्टि वालों की मैंने भेजी आप लोग को, जिसको नहीं मिली है तो मुझे बोल दें, मैं दोबारा से फॉरवर्ड करता हूँ, वैसी बना के भेजनी है सृष्टि वालों की जैसे थी, अगर नहीं मिली है तो मुझे हाँ बता दीजिए, मैं अभी 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 भेज रहा हूँ, अभी अभी भेज रहा हूँ, उसको देखिएगा वो कैसी है, उसको ही वो करना है, नहीं है, ठीक है, मैं अभी अभी भिजवाता हूँ अभी। ऑडिट अकाउंट और रेंट डीड, अगर किराए पे अगर आप शो कर रहे हैं तो उसकी डीड होगी, किरायानामा, हाँ व्हाट्सएप पर, हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पर, ठीक, बस इतना। अच्छा, व्हीकल है अगर आपके पास, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन रह गया था, ट्रांसपोर्ट का लिखिए, ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी है आपके पास, नहीं है, किराए पे है, क्या है क्या नहीं, वो मनी, विक्टम, नेटवर्किंग, ये सारी चीजें, फैसिलिटेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट में बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, जैसे मान लो आपने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करा आपने, अभी जैसे COVID-19 का चलता है तो इसका वर्कशॉप मिलता है, इसका सेमिनार मिलता है, ठीक है, COVID-19 का, इसके 2 दिन का है या 1 दिन का है, तो अब आप इसमें हायरिंग करेंगे, मतलब लोगों को अपॉइंट करेंगे, नहीं करेंगे, लंच है नहीं है, रिफ्रेशमेंट है नहीं है, जो भी चीजें हैं वो क्लियर करिएगा, है ना। तो हाँ, इसी के बारे में बता रहा है मैं अभी, इसी के बारे में। उसके बाद में जो पैसे होंगे वो पैसे ऐसे लिखने होंगे आप, इधर ये दिख रहे हैं, शो हो रहा है, मैं भेज दूंगा, अगर दिख नहीं रहे होंगे मैं भेज दूंगा, अभी व्हाट्सएप कर दूंगा इसको फोटो खींच के, तो वो सामने लिखना होगा कि 6,000, 18,000, 20,000, 5,000, 1,000, 2,500, जो भी उसका है, जैसे कम्युनिकेशन का कितना है, रिसोर्स पर्सन का कितना, मतलब वार्तालाप का, बातचीत का, TADA उसमें है नहीं है, अवेयरनेस जनरेशन थ्रू इंक्लूडिंग, तो वो पूरे ये फॉर्मेट होना जरूरी है आपके पास, आ रही बात समझ में। अब आपको खुद लग रहा होगा कि कितनी सारी चीजें होती है, एक चीज नहीं होती, ठीक। फिर इसके बाद में आपका जो मटेरियल हो गया है, ये 2 से 3 प्रतियों में रखिए, एक तो अपने पास रखना है, एक जाएगी और एक और, मतलब 2-3 कॉपी में इसका रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो जैसे एक हो गया हमारा जो हमें अप्लाई करना है,
लेकिन हमें इसकी तरह अभी 4-6 और दिखाना है कि हमको एक्सपीरियंस है और हम ये चीज पहले से कर चुके हैं। अभी मैंने आपको देखिए व्हाट्सएप पे वो भेजा है, वो जो है, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अभी 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 भेज रहा हूँ। कहाँ गए भैया? हाँ ये रहे, ये एनुअल रिपोर्ट देखिए मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। एनुअल रिपोर्ट आप देखिए, इसमें ऐसी होनी चाहिए एनुअल रिपोर्ट, आप इस तरीके से होगी एनुअल रिपोर्ट, ये बनाइएगा, फोटो कटिंग हो, बहुत सारी चीजें इसमें रहेंगी। और पर्सनल मीटिंग पहले डिसाइड करिए, पर्सनल मीटिंग मिलना बहुत जरूरी है, अगर मिलेंगी नहीं तो समझ लीजिए बात नहीं हो पाएगी, बैठ के बात होना है तभी हो पाएगी। ठीक है, देखिए पहुंच गई आपके पास एनुअल रिपोर्ट है ये, ठीक, इसको ओपन करिए और पूरा इस तरीके से होना चाहिए। आप देखिए उसमें, लिखा आवर मिशन डिजिटल लिटरेसी वुमेन एम्पावरमेंट, कंटेंट में देखिए, कंटेंट में प्रोग्राम्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वेलकम नोट है, फोटोग्राफ्स हैं और सब लिखा हुआ है। अब इसमें इसमें इनसे आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इनको फोन करके पूछे भाई साहब ये चीज है भैया, ये देखिए भैया ये, वो इसको देखेंगे और सब समझ में आ जाएगा। फॉरेन फॉरेन टीचर भी हैं, देखो इनके स्कूल में फॉरेन टीचर भी आते हैं, फॉरेन कंट्री से टीचर आते हैं, वॉलंटियर जो मैंने कहा था, ठीक है, अंग्रेज पढ़ाने आते हैं इनके यहाँ पे, आपके स्कूल में अंग्रेज पढ़ाने आएंगे, सोचिए कितनी चर्चा होगी दूर तक, आपके जो बच्चे हैं, कोचिंग है, सेंटर है या जो कुछ भी है, वहां पे अगर अंग्रेज आके पढ़ाएंगे तो सोचो कितनी कितनी पब्लिसिटी होगी, आप उसकी न्यूज बना के कितना एडवांटेज ले सकते। आप ये समझो कि न्यूज में ऐड कर दोगे आप सोचो फिर लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे। ठीक है, तो ये देखो आप, ये मैंने भेजा है, इस तरीके से फाइल आपको पूरी रेडी करनी है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अपने रेडी करो। ये देखो फोटोग्राफ्स हैं, सब जो जो एक्टिविटीज हो रही है सब लिखा हुआ है इसमें, अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कॉल करके या कैसे भी पूछ लेना। ठीक है, तो पहले नंबर पे मीटिंग अरेंज करिए, आप मीटिंग करते हैं, ठीक है, मीटिंग फिक्स करिए, पर्सनल मीटिंग, पर्सनल विजिट। तो पर्सनल मीटिंग, पर्सनल विजिट के लिए पहले नंबर पे अपॉइंटमेंट करिए, क्योंकि ये देखिए आप इसको देखिएगा और समझ में आएगा कि क्या ग्राफ है। अभी जो देखिए नीचे सबसे लास्ट वाले पेज में, देखिए सबसे लास्ट वाला जो अभी मैंने भेजा है, सबसे लास्ट में जाइए, पेज नंबर है 34, देखा ये वाला है, ये बेनिफिशियरी करके है, बेनिफिशियरी ये वाला है बेनिफिशियरी, ये इसको देखिए कितने बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन वुमेन हैं, यूथ हैं, इतने इतने हैं, डे स्कूल है, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल है, टेलिंग है, ये सब डिजिटल लिटरेसी है, पूरा ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे कितने बच्चे कहाँ, इनकमिंग फंड्स देखो लिखा है कि इतना आया, फिर इतना आउटगोइंग, इतना करोड़ों में आया है रुपया, इनका बैलेंस इतना है, ये जो दिखा है ना फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इनका आया इतना करोड़। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए फिर हम लोग दोबारा बात करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफी, वरना ज्यादा हो जाएगा फिर बाउंस होगा। तो क्वेश्चन आप अपने तैयार कर लिया करिए, फिर मुझसे क्वेश्चन करते रहा करिए, ठीक। और कल संडे है, कल मैं दिन में मीटिंग करूंगा, कल की मीटिंग जरूर अटेंड करिएगा, कल की मीटिंग में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक। और पर्सनल मीटिंग शुरू करिए, और जिनका पेमेंट नहीं आया है वो पेमेंट अपना करवा दें, बिल्कुल निश्चिंत होके, क्योंकि सारी चीजें स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, जितना आप सोचते हैं ना टाइम, उससे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो करना तो है ही, आज नहीं कल, सूनर और लेटर यू विल डू दिस डील, और जितनी जल्दी करेंगे ना उतनी जल्दी बेनिफिट स्टार्ट हो जाएंगे मिलना, देर लगाएंगे तो और देर लगेगी। ठीक है दीपक जी, आपको कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए मुझसे, नहीं तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मीटिंग ओवर करूं।
वो कहाँ चले गए थे। चलिए फिर ठीक है, आप लोग देखिए फिर क्वेश्चन हो तो बात करिए मुझसे, फोन नंबर है कॉल कर लिया करिए, और नहीं तो मीटिंग तो करेंगे डेली डेली। ठीक, 2-3 घंटे बढ़ा दूंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थक जाता हूँ क्योंकि सुबह से बहुत सारा काम करना पड़ता है उसके। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए।